brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. नौकरी देने का काम किया नेताजी ने, इनके राज में तो खाली लीक हो रहा है, लीकर लीक चल रहा है सब। विकास तो सबको दिखाई दे रहा है और लेकिन भाई विरोध करना तो भाई सबका एक मतलब, अगर विपक्षी तो विरोध तो करेगा ही, नेचुरल सी बात ये है। तो झूठ बोल करके 10 साल उन्होंने चलाया, ये पुरानी कहावत है कि दशा 10 साल और चलन 40 साल, तो दशा 10 साल में पूरा हो चुका है। और जहाँ तक विकास की बात, विकास सबको दिखाई दे रहा है, ये है कोई कहते कि विकास नहीं देख रहे। पहले सड़कों पर लोग चलते थे तो पेट गड़बड़ हो जाता था, आज बड़े स्मूथली लोग 3 घंटे में यहाँ से जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से 3 घंटे में लखनऊ पहुँच रहे हैं। पहले लखनऊ जाने में 6-6 घंटे लगते थे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जिसका अभी नेताजी नाम ले रहे थे, अखिलेश यादव जी ने जरूर उसका सर्वे किया था, लेकिन उसका जो फिर से बिड करा करके और एक्सप्रेसवे ये योगी जी ने बनवाया। आजमगढ़ का सबसे बड़ा मुद्दा, आजमगढ़ नहीं पूरे पूर्वांचल का मुद्दा, पूरे उत्तर प्रदेश का मुद्दा है रोजगार सबसे बड़ा। उसके बाद हमारा अपना विकास, जो लोग कहते सबका साथ सबका विकास, आज तक आजमगढ़ में सबका साथ पाया गया लेकिन किसी का विकास नहीं, सिर्फ अपना विकास हुआ है। क्या नाम है आपका, क्या करते हो आप? क्या करते हो आप? स्टडी करता हूँ। कहाँ पर? आजमगढ़ में ही, SBPG कॉलेज से पढ़ाई कर रहा हूँ। मोदी जी की जो भी योजनाएं हैं वो जाति और धर्म देख कर करके नहीं दी जा रही है, सारे लोगों को लाभ मिला है। मुझसे मैं 1100 आवास मुबारकपुर नगर पालिका में 1100 आवास मुस्लिमों को मिले हैं, 2.5-2.5 लाख रुपए का आवास मिला है मुबारकपुर नगर पालिका में, जाकर के वो इसकी कोई तस्दीक करा सकता है। राहुल गांधी 70 साल जिन्होंने चलाया, 70 साल क्या नहीं किया आप बता दीजिए क्या नहीं किया। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है लोकसभा क्षेत्र आजमगढ़ में और हम यहां पर मौजूद है पलनी जो है पोलिंग बूथ है। यहां पर आपको दिखा दे एक बार तस्वीर, कैमरामैन कहेंगे दिखाएं कि यहां पर दोपहर का जो है 12 बजे के बाद 12:15 बजे का आसपास का टाइम चल रहा है और यहां पर लोग जो है अभी भी वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं, महिलाएं पहुंच रही हैं, बुजुर्ग पहुंच रहे हैं और यहां पर मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे आखिरकार किन मुद्दों पर जो है आज वोट हो रहा है आजमगढ़ में। क्या नाम है आपका? राजीव सिंह। तो राजीव जी आप वोट डाल के आ गए? जी। तो एक बार दिखाई जरा साइन, तो आप देख सकते हैं कि वोट डालकर आ गए राजीव जी, किन मुद्दों पर आज वोटिंग जो है हो रही है आजमगढ़ में? निसंदेह चारों तरफ एक ही मुद्दा है, राष्ट्रवाद, विकास और देश हित में लोग घर से निकल के और एक देश दुनिया में जो सरकार चल रही है, भारत का नाम रोशन हो रहा है, उस सरकार को पिछले 10 सालों से जो सरकार चल रही थी उसी को लाने के लिए लोग वोट करने के लिए घरों से निकल पड़े हैं। और बहुत इतनी गर्मी में, बहुत ज़्यादा गर्मी है, 40-45 डिग्री सेल्सियस तापमान है, उसके बाद भी लोग घर से निकल के वोट देने के लिए आए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा उत्साह है लोगों में अपनी सरकार चुनने के लिए। तो इसके अलावा अगर हम पोलिंग स्टेशन की बात करें तो वहाँ व्यवस्थाएं कैसी हैं? बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, पहले से बहुत अच्छा हो गया है। और देखिए ये प्राइमरी स्कूल है, यहाँ पर लाइट बिजली पहले से लगी थी और पंखा वंखा सब लगा है, टाइल्स वाइल्स भी बिछ गई है, तो सरकार भी बेहतर प्रयास कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार बेहतर प्रयास करके इन सब मूलभूत सुविधाओं को उच्च स्तर का बना रही है और उसी सुविधा के तहत लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं। चलिए हम और भी लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? कमलेश यादव। तो कमलेश जी आपने भी वोट दे दिया? एकदम दे दिया वोट हमारा। तो अच्छा, कमलेश यादव जी ने भी वोट दे दिया, तो किन मुद्दों पर जो है इस बार ये चुनाव हो रहा है? बेरोजगारी और विकास के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर, महिला सुरक्षा के नाम पर, देश जो बिक रहा है उसके नाम पर, शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर। अच्छा, अगर यहाँ लोकल मुद्दों की बात करें तो आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र के ऐसे कौन से लोकल मुद्दे हैं जिस पर वोट पड़ रहे हैं? विकास, आजमगढ़ का विकास, आजमगढ़ का विकास सिर्फ समाजवादी पार्टी ने किया। जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई तब तक विकास आजमगढ़ का हुआ, चाहे वो रेलवे की बड़ी लाइन हो, कांग्रेस की सरकार में माननीय नेताजी ने, माननीय मुलायम सिंह ने बड़ी लाइन बनाने का काम किया, मंडल देने का काम किया आजमगढ़ को, वरना आजमगढ़ एक गांव बन गया था। भारत के नक्शे पर आजमगढ़ आया जब नेताजी ने मंडल दिया यहाँ, तो मंडल देने का काम किया नेताजी ने, PGI देने का काम किया नेताजी ने। सबसे बड़ा मुद्दा जो है ये चीनी मिल का मामला था, चीनी मिल बंद थी यहाँ, चीनी मिल देने का काम किया नेताजी ने, नौकरी देने का काम किया नेताजी ने। इनके राज में तो खाली लीक हो रहा है, लीकर लीक चल रहा है सब, यहाँ नौकरी मिलती है, बगल का बिहार देख लीजिए,
नीतीश कुमार कहीं कुछ नहीं कर पाए, वही तेजस्वी यादव ने नौकरी देने का काम किया। यहाँ नौकरी चाहिए, लीक नहीं चाहिए। लीकर लीक होता रहेगा तो नौकरियां कम मिलेंगी, खाली लीक हो जाए बस। अभी नीट का पेपर हुआ है, इसमें भी वही दशा। अरे ये क्या माहौल है यार, इसका मतलब कि आप सरकार ढंग से नहीं चला पा रहे, ये साबित हो रहा है। बच्चे परेशान है, घर वाले परेशान है कि कब नौकरी मिलेगी। तो ये लीक करे नौकरी नहीं मिलेगी। नेताजी ने नौकरी दिया, अखिलेश यादव ने नौकरी दिया, चाहे वो किसी जात मजहब का रहा, सबको नौकरियां मिली है। और वहीं माननीय योगी जी कहते हैं कि 46 में 56 सिर्फ यादवों को मिला। जब लिस्ट मंगाई गई तो उसमें बहुत कम यादव रहे, बाकी सभी जातियों के लोग रहे। ये झूठा आरोप, तो झूठ बोल करके 10 साल उन्होंने चलाया। ये पुरानी कहावत है कि दशा 10 साल और चलन 40 साल, तो दशा 10 साल में पूरा हो चुका है। देश परिवर्तन चाहता है, देश के अंदर पूरी जनता जो है, भारत की जनता परिवर्तन चाहती है कि इससे परिवर्तन हो जाए, कि जिससे कि देश खुशहाली के रास्ते पे आवे। आज विकसित देशों के नाम से हमारा हिंदुस्तान का नाम हटा दिया गया और नारा लगता है कि भारत विकसित देश है। जनता बेहाल है, महंगाई से, बेरोजगारी से पूरी तरह से बेहाल है। बच्चे पढ़ करके घर बैठे हैं, 50 साल की उम्र में लोगों को जबरदस्ती रिटायरमेंट किया गया। बोले मेरे पास पैसा नहीं है, आप हटो अब यहां से, नौकरी तो दे नहीं पा रहे हैं, उल्टे 50 साल में रिटायरमेंट करने का काम इन्होंने किया। ऐसी सरकार कभी नहीं चली थी जैसे इन्होंने चलाया। इसलिए पूरा देश, पूरी जनता देश की जो है परिवर्तन चाहती है, और नया गठबंधन, इंडिया गठबंधन की सरकार 4 जून के बाद बनने जा रही है। चलिए ठीक है, मतलब लगातार जो है मुद्दे रोजगार के मुद्दे रहे। क्या नाम है आपका जी? संदीप सिंह। संदीप जी, आपके हिसाब से किन मुद्दों पर आज जो है वोटिंग हो रही है? देखिए, मेरा मानना यह है, ये तो नेशनल चुनाव है। जहां तक हमने देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डेवलपमेंट का काम बहुत किया, जैसे कि एक्सप्रेसवे, रोड और भी बहुत सारी सुविधाएं जो अच्छी थी, जिससे कनेक्टिविटी और आगे इंफ्रास्ट्रक्चर कई चीजों को बढ़ावा मिला। जो पहले काम बहुत समय लग जाता था जिनमें प्रोसेसिंग में, वो आज काम आसानी से हो जा रहे हैं। चाहे आप मेडिकल लाइन में देखिए, चाहे किसी भी लाइन में देखिए। हाँ, ये मुद्दे जो अगर हम यूपी में या अगर अन्य जगहों पे देखें, तो ये एक पेपर लीक का मामला और ये दूसरी चीजें, ये सब है, गलत है। तो आने वाले समय में यहाँ भी अगर आजमगढ़ में किसी अच्छे प्रत्याशी जो खड़े हैं यहाँ पे, इनको मौका मिलता है तो ये विकास जरूर करेंगे। वो देखने वाली बात होती, जनता किसको चुन के लाती है, वो तो आप 4 जून के बाद देखेंगे। चलिए ठीक है, और भी हम लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रभात भरनवाल। तो प्रभात जी, आपके हिसाब से किन मुद्दों पर जो है वोट डाले जा रहे हैं? देखिए, मेरा एक मत है कि जो विकास है, विकास तो सबको दिखाई दे रहा है, और लेकिन भाई विरोध करना तो भाई सबका एक मतलब, अगर विपक्षी तो विरोध तो करेगा ही, नेचुरल सी बात यह है। आपने जो है किन मुद्दों पर वोट? मैंने तो देखिए, राष्ट्रहित, विकास के मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे भी हैं, इन तीनों चीजों पे जो है वोट दिया गया है ये। और ये मैं नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हैं ये। और जहां तक विकास की बात, तो विकास सबको दिखाई दे रहा है। ये है, कोई कह दे कि विकास नहीं दिख रहा। पहले सड़कों पर लोग चलते थे तो पेट गड़बड़ हो जाता था, आज बड़े स्मूथली लोग 3 घंटे में यहां से जो है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से 3 घंटे में लखनऊ पहुंच रहे हैं। पहले लखनऊ जाने में 6-6 घंटे लगते थे, मतलब सुबह से लेकर के शाम हो जाती थी, अब 3 घंटे में लौट आते हैं। अखिलेश जी ने बनवाने का काम किया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को भी अखिलेश यादव ने बनाने का काम किया। सारा बजट, पूरा सर्वे, पूरा नक्शा अखिलेश यादव की देन है। देखिए, पेपर में वर्क करने से नहीं होगा। हाँ, देखिए देखिए, मैं पेशे से एडवोकेट हूँ, मैं बता दूँ, मैं पेशे से एडवोकेट। एक मिनट, ये जिस ओवर ब्रिज के नीचे आप खड़े हैं, ये बैठे हैं, बना उनका है, लेकिन 6 साल में बना है। और अभी इसी इसका एक मिनट एक हाँ मायावती का, लेकिन अभी सेकेंड फ्लाईओवर ब्रिज बन रहा है, इसका समझिए कि 20% काम हो गया है, सिर्फ 1 महीने में हुआ है। अब सोच ले कितनी स्पीड से इसका काम हो रहा है। ये है विकास के काम में तेजी है। देखिए, पहले के सरकार में क्या होता था कि योजनाएं तो आती थी, लेकिन योजना पब्लिक को नहीं दिखाई देता था। अब योजनाएं आ रही हैं, योजनाएं दिखाई भी दे रही है, पहले चीज के ये है, ये स्थिति होती थी। अच्छा, मतलब यहाँ पर योजनाएं और तमाम जो कार्य हैं उसको लेकर लोग जागरूक हैं। क्या नाम है आपका? कुछ बोल रहे थे आप? उधर ही नहीं तो लगता भैया कुछ बोल रहे थे बीच में, लेकिन अभी बोल नहीं रहे। क्या नाम है आपका? संजीव सिंह। संजीव जी, आपके हिसाब से किन मुद्दों पर जो है आज वोटिंग हो रही है? वोटिंग हो रही है, गरीब के घर में रोटी है, अयोध्या में राम है, बहन बेटी सुरक्षित है, 24 घंटा बिजली है, लाइन है, सड़क है,
पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का जिसका अभी नेताजी नाम ले रहे थे, अखिलेश यादव जी ने जरूर उसका सर्वे किया था, लेकिन उसका जो फिर से बीड करा करके और एक्सप्रेस वे ये योगी जी ने बनवाया। अच्छा, और आजमगढ़ में विश्वविद्यालय जो है वो बीजेपी के देन है, तो इन मुद्दों पे जो है वोट डाला, विकास के मुद्दे पे वोट पड़ रहा है, विकास दिख रहा है, 15 महीने का सांसद का कार्यकाल है, विकास दिख रहा है। चलिए और भी बात करते, चाचा क्या नाम है? संग्राम यादव। आप बताइए किस मुद्दों पर आज वोटिंग हो रही है? आज वोटिंग हो रही है अखिलेश और मुलायम का देन है, यहाँ विकास हुआ, और कौन विकास किया, और तो कोई नहीं किया विकास, अखिलेश और मुलायम के विकास के मुद्दे पर। हाँ, विकास के मुद्दे पर है। हाँ, पूरा पार्टी को इस जिले ने बहुत दिया है और उसके एवज में विकास नहीं हुआ है, जबकि बीजेपी को इस जिले से कुछ नहीं मिला है सिवाय इस उपचुनाव के, और उसके अगर मुकाबले देखा जाए तो बहुत बहुत ज्यादा काम हुआ है, उस काम की गिनती नहीं की जा सकती है। यही विश्वविद्यालय की मांग यहाँ 2500 साल से थी। और 10 के 10 विधायक यहाँ सपा के हैं, लेकिन आप उनके काम गिनवा दीजिए, कोई काम गिनवा दीजिए 10 के 10 विधायकों के, जो समाजवादी। आजमगढ़ में सिर्फ विकास के मुद्दे पर वोट हो रहा है। अगर भाजपा दिनेश लाल यादव निरहुआ जी यहाँ इलेक्शन जीतेंगे और प्रदेश देश में मोदी जी की सरकार बनेगी, ये भी तय है। आजमगढ़ की हर एक ईट ईट पर माननीय मुलायम सिंह यादव, माननीय अखिलेश यादव का नाम है। क्या नाम है आपका? सैयद अमान अशरफ। अच्छा, वोट दे दिए? बिल्कुल दे दिया। अच्छा, अब बताइए जी, आजमगढ़ का सबसे बड़ा मुद्दा, आजमगढ़ नहीं पूरे पूर्वांचल का मुद्दा, पूरे उत्तर प्रदेश का मुद्दा है रोजगार, सबसे बड़ा। उसके बाद हमारा अपना विकास, जो लोग कहते सबका साथ सबका विकास, आज तक आजमगढ़ में सबका साथ पाया गया लेकिन किसी का विकास नहीं, सिर्फ अपना विकास हुआ है। क्या नाम है आपका? क्या करते हो? क्या करते हो? स्टडी करता हूँ। कहाँ पर? आजमगढ़ में ही, SBPG कॉलेज से। अच्छा, पढ़ाई कर रहे हो जी? योगी और मोदी जी की जो भी योजनाएं हैं वो जाति और धर्म देख कर करके नहीं दी जा रही है, लाभ ले रहे हैं इसका, सारे लोगों को लाभ मिला है। मुबारक मुझसे, मैं 1100 आवास मुबारकपुर नगर पालिका में 1100 आवास मुस्लिमों को मिले हैं, 2.5 लाख रुपए का आवास मिला है मुबारकपुर नगर पालिका में, जाकर के वो इसकी कोई तस्दीक करा सकता है। छात्र, ये बहुत बड़ा मुद्दा मैं आपके सामने फेस करने जा रहा हूँ, बहुत बड़ा मुद्दा कि आपने नगर पालिका का चुनाव कराया, ग्राम पंचायत का चुनाव कराया, BDC का चुनाव कराया, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव कराया, छात्र चुनाव क्यों नहीं होता? आप भी, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ इस देश के मुखिया से, जो इस देश का सरकार चलाने वाले लोग बैठे हैं उनसे पूछता हूँ, किस बात की डर है कि आप छात्र नौजवान का चुनाव नहीं कराते? ये हावी मुद्दा होगा अच्छी वोटिंग? बिल्कुल होगा, युवाओं को लेकर बिल्कुल होगा, छात्रों का जो इतना बड़ा मुद्दा है, तमाम आप बता दीजिए कि क्या आपको जिस तरफ आप जाते हैं, आप भी नौजवानों में आते हैं, छात्रों में आते हैं, कहीं ना कहीं आपने भी स्टडी की होगी, आप बताइए किस विद्यालय में छात्र नौजवानों का चुनाव हुआ? छात्र चुनाव किस लिए नहीं कराते? इसलिए नहीं कराते कि दूसरा कहीं नाम मनोहर लोहिया ना पैदा हो जाए, इसलिए नहीं कराते कहीं फिर दूसरा कोई छोटे लाल पैदा ना हो जाए, इसलिए नहीं कराते क्योंकि फिर से कोई मुलायम सिंह यादव ना पैदा हो जाए, इसलिए नहीं कराते। देखिए, वहां से एक सवाल आया, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा, अगर आप नौजवान निरहुआ यादव को प्रधान सांसद बनाने का दावेदार कर सकते हैं, तो क्या हम विश्वविद्यालय से लड़कर पढ़कर छात्र राजनीति बिना किए क्या हम सांसद में जाकर बैठ सकते हैं? एक छात्र जितनी अच्छी राजनीति कर और लोकसभा विधानसभा चला सकता है, कोई नेता जमीन का उतना अच्छा नेता नहीं। ये नेताजी हैं। इसका जवाब दीजिए। नाम क्या? विशाल सिंह। उसका जवाब दीजिए, जो नेताजी ने राम भक्तों पे गोलियां चलाई थी, संविधान की रक्षा की। मुझे लगता है अभी मुद्दा जो है वो आजमगढ़ का है और आज आजमगढ़ में वोटिंग है, हमें जो है उस पर चर्चा करना चाहिए कि यहाँ आजमगढ़ की जनता जो है वो किन मुद्दों पर वोट डालने जा रही है। तो जो मुद्दे हैं वो स्पेसिफिक मुद्दे, सुरक्षा, राष्ट्रवाद और राम जन्मभूमि के उसके स्थापित करने के लिए, उसके लिए ये मुद्दे हैं जिस पर वोट डाले जा रहे हैं। आजमगढ़ का मुद्दा ही आप लेके आएंगे? देश की चर्चा होगी। देखिए, यहाँ यूपी तक पर आप बात कर रहे हैं और आज लोकसभा जो है आजमगढ़ की, आप आजमगढ़ के लोकसभा में तो खड़े होकर बात आपने कह दिया, लेकिन आजमगढ़ के साथ कहीं ना कहीं ये कॉन्स्टिट्यूएंसी जुड़ी है ना कि आप प्रधानमंत्री को चुनने जा रहे हैं।
बिल्कुल चुनना चाहते हैं। हम प्रधानमंत्री को चुनने जा रहे हैं। मुद्दे बताइए, मुद्दे क्या? हमारा सब राहुल गांधी, राहुल गांधी 70 साल जिन्होंने चलाया, 70 साल क्या नहीं किया, क्या नहीं किया आप बता दीजिए, क्या नहीं किया? इंडिया का कौन नेता है बताएं? एनडीए का नेता तो नरेंद्र मोदी हैं, इंडिया का कौन नेता है? चलिए ठीक है, मुझे लगता है कि देखिए यहाँ पर जो तमाम चर्चा है वो चर्चा साफ तौर पर हर मुद्दे पर हुई, ना केवल विकास बल्कि राम मंदिर पर भी बात हुई, लेकिन साथ साथ रोजगार, युवाओं के मुद्दे पर भी बात हुई। और कहीं ना कहीं अब जो है ओवरऑल आप सुन सकते हैं कि जनता यहाँ की, आजमगढ़ की क्या कुछ जो है वो चुनाव के दिन आज सोच रही। तो बाकी तमाम चुनावी कवरेज के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।